अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक और मज़े में होंगे। और आज हम किचन विद आपी में बनाएंगे चाय। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चाय बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं: 1/2 लीटर फ्रेश मिल्क, 3 टीस्पून चाय की पत्ती, 2 टीस्पून चीनी, 1 टीस्पून शक्कर और 1 छोटा पीस दालचीनी और अदरक का लेंगे। एक बर्तन में 1/2 लीटर मिल्क डालेंगे और आप पैकेट का मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/2 कप पानी डालेंगे और बॉयल आने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। ये चाय बनाने की छोटी छोटी सी टिप्स हैं और इस तरह चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अब हम 3 टीस्पून चाय की पत्ती डालेंगे और अब इसमें अच्छी तरह बॉयल आने देंगे और कंटिन्यूसली हम इसे हिलाते जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, चाय का कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और अब हम इसमें दालचीनी और अदरक का पेस्ट डालेंगे। दालचीनी और अदरक के इस्तेमाल से चाय का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में हम इसमें चीनी और शक्कर डालेंगे और 1 से 2 बॉयल आने तक इसे पकाएंगे। और अब मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपकी चाय कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, चाय अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी भी बनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ किचन विद आपी में। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल किचन विद आपी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।